ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जोशी मठ डूब रहा है, दरक रहा है, टूट रहा है, कहां है हिंदुत्व के ठेकेदार? याद कीजिए, जब कावड़िए जाते हैं तो किस तरह से खुद पुलिस कमिश्नर्स, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी आते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। जोशी मठ का वही किरदार है जो उत्तर प्रदेश के अंदर काशी का किरदार है। जोशी मठ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र, मगर आज कोई धर्म का ठेकेदार वहां नहीं पहुंच रहा है। बहुत कम पर्यावरणविद बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। 4,000 लोगों को वहां से शिफ्ट कराया जा चुका है। 600 घर तोड़े जा रहे हैं जो डेंजर जोन के अंदर हैं। वो जोशी मठ जो हमारे बचपन की रूमानियत का हिस्सा था, वो जोशी मठ जो कि पर्यटन का केंद्र था, और सबसे बड़ी बात, वो जोशी मठ जो धर्म का केंद्र माना जा रहा है और माना जाता रहा है, वो अब दरक रहा है, वो अब खत्म हो रहा है। चंद पत्रकार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, अधिकतर न्यूज चैनल्स खामोश हैं। वो न्यूज चैनल्स जो रोज शाम को 9 बजे धर्म के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं, धर्म और नफरत का धतूरा आपको चटाते रहते हैं, मगर जोशी मठ के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इससे पता चलता है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जोशी मठ के बारे में कितना गंभीर है। सबसे पहले दोस्तों, ट्विटर पर एनडीटीवी की पत्रकार तनुश्री पांडे ने यह वीडियो पेश किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बाकायदा अभी भी बुलडोजर के जरिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जोशी मठ और उसके आसपास तमाम जगहों पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है, तो इसलिए मेरा सवाल पुष्कर सिंह धामी सरकार से कि ये जो वीडियो एनडीटीवी की तनुश्री पांडे दिखा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब आप जानते हैं कि धमाकों से मकानों में दरारें आ गई और हमारे सामने उसका परिणाम है, आपने आखिर ये वीडियोस जो सबूत हैं आपके सामने, ये क्यों चल रहा है? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एनडीटीवी के ही एक और रिपोर्टर ने रात को अपने कैमरे पर कैप्चर किया कि जोशी मठ में तबाही के बावजूद पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिस पर मनाही है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वीडियो, देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मुआवजा ना मिलने के कारण तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जोशी मठ गम में है, आंसू में है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से ये जो स्टोन क्रशर हैं वो पहाड़ का सीना छल्ली कर रहे हैं। और सोचिए कितना हानिकारक है, ऐसे में तब जब पहाड़ धस रहा है, जोशी मठ धस रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ को ये खोदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है, कितना जानलेवा साबित हो सकता है, बताइए। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है? अभी 2 ही दिन पहले खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया। जहां पर आपको वोट्स हासिल करना होता है वहां आप पहुंच जाते हैं, मगर यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जोशी मठ बिखर रहा है मगर कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं। इन तस्वीरों का जवाब दीजिए भाई, इन वीडियोस का जवाब दीजिए, क्या जवाब है आपके पास इनके? कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं आज आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से स्थानीय लोग नेताओं से नाराज हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं पहुंचा, मगर पहुंचते हैं तो स्थानीय लोगों को यह नसीहत देने के लिए कि आप धरना प्रदर्शन ना करें। इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों की रोजी रोटियां खत्म हो गई हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, जोशी मठ बर्बाद हो रहा है, हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र। देखिए किस तरह से लोग स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जतला रहे हैं, देखिए इन महिलाओं को। हम किस तरह
अनुशासित कार्यकर्ता कर रहे ना जिस प्रांत में सचिव उड़ाई गई ना किसी लोगों ने इसमें नहीं चलती जिसके द्वारा करने का जो था किसी व्यक्ति ने कहा ये याद नहीं तैयार है सारे ये सरकार हमारी नहीं जा रहे नहीं जा रहे ये सरकार हमारी नहीं जा रही है सरकार फिर सवाल पूछना चाहता हूं मैं, कहां गए धर्म के ठेकेदार? आप जो लगातार धर्म के मुद्दे पर लोगों में बंटवारा पैदा करते थे, आखिर ये लोग कहां हैं? दोस्तों आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल ये हो क्यों रहा है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले प्रभात खबर में मेरे दोस्त रितेश जोशी का एक बहुत ही बेहतरीन लेख छपा है, उस लेख में क्या क्या बातें कही गई हैं उसी से आप समझ जाएंगे कि आज जोशी मठ की हालत क्यों हो गई। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1930 स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने जोशी मठ को लेकर खास तौर से चेतावनी दी थी, कहा था कि जोशी मठ आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ सकता है, और यह 1930 में है। सब सोते रहे। 1976 एमसी मिश्रा रिपोर्ट आती है दोस्तों, वो कहते हैं कि ये सब बंद किया जाए, जो निर्माण कार्य चल रहा है इस पर काबू पाया जाए। मगर उस वक्त की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बाद में समाजवादी पार्टी बीएसपी की सरकार, सब सोते रहे। 1980 यहां पर एक पावर प्रोजेक्ट आता है। 2006 जब भाजपा की सरकार थी, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आता है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स आए, स्थानीय लोग इसका विरोध करते रहे, मगर ये प्रोजेक्ट्स वजूद में आते गए और नतीजा आपके सामने है। धमाके होते हैं और मकान दरक जाते हैं। एनटीपीसी का कहना है कि उन धमाकों से उनका कोई लेना देना नहीं है, और जो जोशी मठ के अंदर हो रहा है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका भी कोई कुछ लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है, तो भैया किसका लेना देना है? अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि यह मुद्दा कितना गंभीर है और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सामने इस सवाल का जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है कि आखिर यह हो क्यों रहा है। एक एक करके मैं आपके सामने रितेश जोशी की रिपोर्ट का जिक्र करूंगा दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, इस जगह की अहमियत क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने कितनी बड़ी ज्यादती जोशी मठ के साथ किया है। यह क्षेत्र बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है, यहीं से हेमकुंड साहब की यात्रा भी जाती है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल फूलों की घाटी का भी प्रवेश द्वार है, साथ ही यहां कई लोग शीतकालीन पर्यटन के लिए भी आते हैं, औली में स्कीइंग के लिए भी पर्यटक आते हैं, यहां एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऐसी महत्वपूर्ण जगहों का प्रवेश बिंदु होने के कारण जोशी मठ रोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और लोगों ने यहां होटल और अन्य इमारतें बनानी शुरू कर दी, लोग लगातार यहां बसते चले गए, और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। मगर अगर आपने गौर किया होगा, यह वो जगह है जो धार्मिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, सिखों की निगाह से, हिंदुओं की निगाह से। शंकराचार्य यहां बैठते हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को छोड़ के कितने धर्म के ठेकेदार यहां पहुंचे? मोदी सरकार के डर से तमाम जो पर्यावरणविद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुंह पर ताले क्यों जड़ गए हैं? वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? मगर जोशी मठ की क्यों हालत हुई दोस्तों, एक एक चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके तुरंत बाद दोस्तों यहां पर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के जो है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, निर्माण कार्य शुरू होता है। अब इस पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि देश की सेना का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। मगर उसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे यहां पर्यटन बढ़ा, यहां पर होटल्स खड़े होते गए। सरकारों ने कभी भी इस बात पर गौर की नहीं किया कि आप होटल्स तो खड़े कर रहे हैं, मगर समानांतर तौर पर आपको चेतावनी दी जा रही है। चाहे 1930 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, या 1976 में एमसी मिश्रा की रिपोर्ट थी, ये तमाम रिपोर्ट्स थी, चेतावनियां दी गई, कोई कुछ नहीं कर रहा था दोस्तों।
वहां पर लगातार होटल खड़े किए जाते रहे, लोग बसते चले गए। हृदेश जोशी अपनी रिपोर्ट में एक और चीज कहते हैं, वे ये भी कहते हैं कि नालियों की सही व्यवस्था नहीं होना एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? नहीं, यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहां बहुत सारा बाहरी निर्माण हुआ है जिसमें बहुत सारी कंपनियों के हित छुपे हुए हैं। इसमें सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है जिसमें अवैज्ञानिक तरीके से टूट फूट हुई, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों ने जो निर्माण कार्य किया उसके कारण जोशी मठ में यह स्थिति आई है। दोस्तों, यह सरासर गलत है। अगर लोगों ने निर्माण कार्य किया है तो इसकी इजाजत किसने दी? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हल्द्वानी आइए, 50-50 सालों से यहां लोग बसे हुए थे, सरकारों ने कभी इन्हें मना नहीं किया, मगर 1.5 साल पहले अचानक हाईकोर्ट का एक आदेश आता है और फिर सरकार मुस्तैद हो जाती है, भाजपा सरकार मुस्तैद हो जाती है कि इनको हटा देना है, क्योंकि इनमें से अधिकतर मुसलमान थे, भाजपा को इसकी परवाह नहीं थी। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आपके सामने परिणाम है। अगर हल्द्वानी में भी लोग इस तरह का निर्माण कर रहे थे तो इतने सालों से सरकार ने क्या किया, खास तौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि यह धार्मिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सरकारें क्यों सोती रहीं? और सबसे बड़ी बात, तमाम बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, तमाम यहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे, यानी कि जो व्यापारिक हित हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो धार्मिक मान्यताओं पर भारी साबित हुए। और फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कावड़ियों का तो आप पूरा सम्मान करते हैं, मगर जोशी मठ, ये चेतावनियां 1930 से आ रही हैं, 1976 में रिपोर्ट आई, उसके बाद भी कई विशेषज्ञों ने जोशी मठ को लेकर चेतावनी दी कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर कुछ कीजिए। क्या किया आपने, बताइए ना मुझे। उल्टा जब लोग धरने पर बैठते हैं तो आप उन्हें रोकते हैं, ये क्या हरकत है, मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से। दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर कड़ा प्रहार किया है। पवन खेरा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। हालांकि पवन खेरा को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए था कि एक जमाने में आपकी भी सरकार हुआ करती थी, उत्तराखंड में आपकी भी सरकार हुई है, आपने क्या किया, यह फर्क पवन खेरा बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे, हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है, 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था, उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। हकीकत यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रदर्शन करने से रोक रही है और पिछले कई सालों से उसने कुछ बहुत नहीं किया है, इस दोष से कांग्रेस भी नहीं बच सकती, क्योंकि यह ना भूलें कि जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब यहां पर कांग्रेस का राज था, इसलिए कांग्रेस भी इससे नजरें नहीं छिपा सकती। दोस्तों, आप जानते हैं क्या है, एमसी मिश्रा की रिपोर्ट जो 1976 में आई उसने कई चेतावनियां दी, मगर दुख की बात यह है कि उसकी किसी बात को नहीं माना गया, उल्टा चेतावनियों के बावजूद वहां पर निर्माण कार्य जारी रहा। हृदेश जोशी प्रभात खबर में क्या लिखते हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एमसी मिश्रा की रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया था कि यहां पर भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और किसी भी निर्माण से पहले प्रस्तावित स्थल के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की जांच होनी चाहिए, उसमें पेड़ लगाने के सुझाव भी दिए गए थे। एक महत्वपूर्ण सुझाव के बाद यह भी कहा गया था कि जोशी मठ से पत्थर आदि जैसे किसी निर्माण सामग्री की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। ये बात बाकायदा एमसी मिश्रा की रिपोर्ट में कहा गया था। और जैसे मैंने कहा, जोशी मठ का महत्व जो है वो धार्मिक था, बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे राजनीतिक दल, उनके लिए धर्म के कोई मायने नहीं है, आपकी आस्थाओं के भी कोई मायने नहीं है, इन्हें सिर्फ
आपको बांट के, आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के आपका वोट हासिल करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। जोशी मठ इसका जीता जागता प्रमाण है। मिश्रा समिति और क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों की अनेक रिपोर्टें आईं जिसमें इस तरह की चेतावनी और सिफारिश थी। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज किया गया। 1980 में लोगों के विरोध के बावजूद यहां एक निजी कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया और 2006 में दोस्तों एनटीपीसी का प्रोजेक्ट भी यहां पर आया। बताइए, आपसे मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या लोगों की धार्मिक भावनाओं के मायने नहीं है हमारे राजनीतिक दलों को? यह सवाल है, इससे बचिएगा नहीं। यह हकीकत है, इससे बचिएगा नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो लोग धार्मिक तौर पर वोट मांगते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, उनका रवैया साफ है। देखिए इन्होंने क्या किया था हल्द्वानी में, वहां बुलडोजर चलाने को तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि मुसलमान थे, उन्हें लग रहा था ऐसा करने से उन्हें वोट मिलेगा, मगर जोशीमठ में खामोश थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हल्द्वानी में लोग 50-50 सालों से रह रहे थे, सरकारों ने उनसे कोई संवाद नहीं किया। एक अदालती आदेश आता है और पुष्कर सिंह धामी उस बस्ती पर बुलडोजर चलाने को तैयार हो जाती है राजनीतिक कारणों से, क्योंकि वो सीट जीतनी थी। और दूसरी तरफ जोशीमठ में लगातार चेतावनी आती रही। क्या किया सरकारों ने, क्या किया बीजेपी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का संज्ञान ले लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है। ये सवाल है, इनसे बचिएगा नहीं। बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम हमारे राजनेताओं को जो अधिकार देते हैं कि हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके हमारे वोट्स को हासिल करें, उसका नतीजा होता है जोशीमठ। आपकी और हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई थी, मगर पूरी तरह से वो नजरअंदाज कर दिया गया है, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। जोशीमठ और उसकी आवाज मैं लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।